दोस्तों एक टीचर हैं जिनका नाम है गगन प्रताप, जो बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। कल उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 2040 में जो गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो यूआर वाले हैं अनरिजर्व वाले वो सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, जो ओबीसी वाले हैं वो कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे, जो एससी वाले हैं वो केवल परीक्षा में बैठेंगे और जो एसटी वाले हैं वो सिर्फ फॉर्म भरेंगे। उन्होंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं जो घर से ज्वाइनिंग ले रहे हैं वो कहाँ हैं। आज इस वीडियो को आप अंत तक देखो, इसमें बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो बताएंगे कि आपका जो समाज है वो कहाँ खड़ा हुआ है। दोस्तों हम बात करते हैं ओबीसी एससी एसटी के बारे में, तो इनकी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो 85% से ज़्यादा है। हमारे पास जो आंकड़ा है वो इस प्रकार से है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 90 सेक्रेटरी के पद हैं उसमें से मात्र केवल 3 ओबीसी एससी एसटी के हैं। मात्र 3 मतलब कि 87 आउट ऑफ 90 जनरल के पास हैं। जॉइंट सेक्रेटरी जो टोटल पोस्ट है वो 275 हैं, उसमें से ओबीसी मात्र 19 है, एससी मात्र 4.73% है, जो एसटी है मात्र 9% है और ओबीसी की संख्या मात्र 19 है आउट ऑफ 275। हम आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं वो सिर्फ 4% ओबीसी से हैं और 1% एससी एसटी से हैं। हम बात करते हैं ओबीसी प्रोफेसर के बारे में, तो वहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो 83% प्रोफेसर हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं। दोस्तों थोड़ा सा ऊपर आते हैं जुडिशरी में देखते हैं। जुडिशरी में दोस्तों जो 90% जजेज हैं वो अपर कास्ट के हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट के हैं। दोस्तों 2018 से जो हाईकोर्ट में अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें 76% जो हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं। देखिए पिछले 6 सालों में जो अपॉइंटमेंट हुआ है 650 जजेस में, उसमें से मात्र केवल 23 जो है एससी हैं, जो केवल 3.5% है, जो एसटी है वो केवल 10% है, जो केवल 1.5% है, जो ओबीसी है मात्र 36 हैं, जो केवल 5.54% है। दोस्तों यहाँ पे आपको आपके मुद्दे से भटकाया जा रहा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अक्सर महिलाओं के हक के बारे में बात करता है, लेकिन उसने महिलाओं को कितना स्पेस दिया हुआ है आप ये सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में मात्र 4% जो जजेज हैं वो महिलाएँ हैं। अभी हम बात करते हैं तो आउट ऑफ 34 जजेज ओनली 3 जजेज आर वुमन, जो केवल 8.82% है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आप जहाँ पे देखिए आपकी रिप्रेजेंटेशन माइनर है, जितनी हो सके वो संख्याएं घट रही हैं, आपको आपके मुद्दे से भटकाया जा रहा है और आपकी रिप्रेजेंटेशन ये है। किसी भी वैकेंसी को नॉट फॉर सुटेबल बोल के एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के नाम पर आपकी वैकेंसी को काट दिया जा रहा है। आपको ये समझना होगा Why the government is not giving proper representation to the society which is having the population of 85%? This is your right, my dear friends. This is your right. जो लोग रिजर्वेशन पे सवाल उठा रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि आप 3000 साल तक अपने शिक्षा पे 100% रिजर्वेशन लिया हुआ था। पिछले 3000 साल तक ओबीसी एससी एसटी को एजुकेशन से दूर रखा गया था, उसका क्या 70 साल के लिए हमने केवल रिजर्वेशन मांगा तो आपकी जो है बैंड बज जा रही है। आपने हजारों जनरेशन को शिक्षा से दूर रखा, उसका भुगतान कैसे होगा? तो ये जो उड़न चुल्लू है जिनका नाम गगन प्रताप है, आप उनको टैग करिए, आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फियर विद दिस टीचर। वो बच्चों को क्या सिखाते होंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो इक्वलिटी की बात नहीं करता है, जो संविधान के अगेंस्ट बात करता है, ऐसे टीचर को आप बॉयकॉट करिए। और आप ये सवाल गवर्नमेंट से पूछिए कि आपके समाज को इतना कम रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया जा रहा है, हर वैकेंसी को किसी खास समुदाय के लिए क्यों फिक्स कर दिया जा रहा है। आपका असली मुद्दा ये होना चाहिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।